ओम शांति। आज की तारीख है 18/7/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिवान बनने। बुद्धिवान अर्थात पवित्र। पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ते हो। प्रश्न है, बुद्धिवान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है, बुद्धिवान बच्चे ज्ञान में सदा रमण करते रहेंगे। उन्हें मौलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी। उनकी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज रहती। नशा रहता कि हमारा बाबा हमारे लिए परम धाम से आया हुआ है, हम उनके साथ परम धाम में रहते थे। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, हम अभी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। हम बच्चों को वह मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर, यानी प्रभु को समर्पित कर ट्रस्टी हो रहना है। बहुत संभाल से श्रीमत प्रमाण हर कार्य को करना है। नंबर दो है, बाबा और वर्षे को याद कर अपार खुशी का अनुभव करना है। बाबा की याद में मौलाई बन जाना है, सच्चा आशिक बनना है। वरदान सतगुरु पिता शिव परमात्मा का समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि देह और देह के संबंधों व पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है। सभी प्रकार के विघ्नों को सार रूप में लाने के लिए समाने की व समेटने की शक्ति चाहिए। सर्व प्रकार के विस्तार को एक बिंदु में समा दो। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु, एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। तो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना माना एकाग्र होना। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहाँ चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती है। स्लोगन है, जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही रूहानी गुलाब है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।